नमस्कार दोस्तों, आज 19 सितंबर 2019 है और आज की जो प्रमुख खबरें हैं मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज का पहला न्यूज है कि हाल ही में कौन सा देश फेसबुक पर संगीत की सुविधा प्राप्त हुआ है, तो इसका भारत भारत को ये सुविधा प्राप्त हुई है और भारत ये सुविधा प्राप्त करने वाला 55वां देश बन गया है विश्व का। इसमें ऐसा होगा कि आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक के प्रोफाइल से जो पहले आप वीडियो और फोटो को आप 24 घंटे के लिए जोड़ सकते थे, वैसे ही अब आप संगीत को भी फेसबुक के जो स्टोरेज सेक्शन में है सेक्शन में आप जाकर इसे जोड़ सकते हैं। तो ये सुविधा भारत को दी गई है फेसबुक के द्वारा, तो ये भारत 55वां देश बना है और इसके पहले भी और बहुत से देशों को ये मिला है। ये भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया है। आज का दूसरा न्यूज है, हाल ही में फेसबुक ने किस बड़े राजनेता के चैट बॉट को बंद कर दिया है। तो उत्तर है नेतन्याहू, जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू की चैट बॉट को बंद कर दिया है। उसका कारण है कि स्थानीय कानूनों का उल्लंघन के चलते उनका चैट बॉट बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये चैट बॉट होता क्या है? चैट बॉट वो है जिसके द्वारा आप फेसबुक में किसी से चैट करते हो, तो उस चैट बॉट को बंद कर दिया गया है। यह एक मैसेजिंग टूल है जिसे बड़े स्तर पर मैसेज भेजे जाते हैं। जो बड़े बड़े मैसेज भेजे जाते हैं, बड़े स्तर के मैसेज भेजे जाते हैं, उसको नेतन्याहू का बंद कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि अवैध रूप से सूचनाएं जारी होती हैं। तो ये क्वेश्चन है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो उत्तर है दिनेश मोंगिया ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 57 वनडे खेली हैं भारत के लिए और उन्होंने जो पहला विश्व कप खेला गया था और भारत ने जीता भी था, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था, उसको भी उन्होंने खेले थे। ये भारतीय इतिहास के पहले T20 खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं दिनेश मोंगिया जी। भारतीय क्रिकेट के पहले जो T20 खेला गया था उसमें भी ये शामिल थे और 2003 की जो विश्व कप की टीम थी वनडे में जिन्होंने फाइनल खेला था उसमें उस क्रिकेट टीम में भी ये शामिल थे दिनेश मोंगिया। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, एफ डब्ल्यू आई सी ई ने किन गायकों को नोटिस दिया है? एफ डब्ल्यू आई सी ने किन गायकों को नोटिस दिया है? तो उत्तर है अलका सानू याग्निक और उदित नारायण। अलका याग्निक, कुमार शानू और उदित नारायण को नोटिस थमाया है। कि नोटिस इसलिए थमाया है क्योंकि इन तीनों गायकों ने अमेरिका के हाइनेन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था और भारत पाकिस्तान के रिश्ते के संबंध में अनुच्छेद 370 को लेकर इन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की थी, जिसके तहत FWIC ने इनको नोटिस थमाया है। अच्छा, ये FWICE होता क्या है? फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉय, ये इसका फुल फॉर्म होता है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉय। आज का पांचवा न्यूज़ है, मोती बाग ये किस पर आधारित फिल्म है? उत्तर है विद्यादत्त शर्मा पर आधारित ये फिल्म है। ये विद्यादत्त शर्मा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि उत्तराखंड के एक किसान की कहानी है। सागुंडा गांव से हैं ये, उत्तराखंड के 83 वर्षीय हैं और ये 59 मिनट की ये फिल्म है जिसके निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल जी हैं। तो ये ऑस्कर अवार्ड होता क्या है? ये ऑस्कर अवार्ड होता है कि फिल्मी जो दुनिया है उसको विश्व स्तर पर जो सम्मान दिया जाता है उसे ही ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड है। आज का छठवां न्यूज है,
हाल ही में कैबिनेट ने किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया है? हाल में कैबिनेट ने कल किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया है? तो उत्तर है ई सिगरेट पर। ई सिगरेट पर कल निर्मला सीतारमण रमणकर जी ने, जो कि हाल ही में वित्त मंत्री हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जी ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और इसको बहुत से राज्यों ने पहले से ही प्रतिबंध लगा कर रखा है। अब केंद्र भी इसको प्रतिबंध लगाने की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है और अपने लिए कुछ न कुछ ये योजना बनाकर इसे बंद लगाएगी। बहुत से देशों में ये पहले से ही बैन है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, वाशिंगटन और बहुत से देशों में इसे पहले से ही बंद कर दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा समस्या न्यूयॉर्क में ही देखी गई है। और ये एक पेन के टाइप होता है, जिसके पेन में एक लिक्विड भरा होता है तथा एक साइड बैटरी लगी होती है। बैटरी उस लिक्विड को हीट करती है, उसके बाद उसका वाष्प बनता है, जिससे वो नशीला पदार्थ निकोटीन निकलता है। आज का सातवां में किस एयरलाइन ने अपने प्लेन को हीरे से सजाया है? पूरे हीरे हीरे से ही सजा दिया है। उत्तर है एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, जो एक देश है यूएई, उसने ही अपने एक प्लेन को पूरे हीरे से जड़ दिया है, और इसका नाम है एमिरेट्स एयरलाइन, और इसको देखकर आकर्षित करने के लिए किया गया है। ये केवल आर्ट वर्क था, इसमें ऐसा नहीं है कि हीरे को चलाकर उड़ा दे, ऐसा नहीं है, केवल एक आर्ट वर्क था जिसको सजाकर उसे फिर से निकाल लिया गया है। अच्छा, बात हुई है यूएई की, तो इसका इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी, तथा इसके अभी वर्तमान पर प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन अल खलीफा। इसके अभी राजधानी ये कौन से महाद्वीप में शामिल है? ये एशिया महाद्वीप में शामिल है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमको। आज का आठवां न्यूज है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के किस मैच को सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा? दो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसको सबसे ज़्यादा लाइव किस मैच को लाइव देखा गया? तो उत्तर है भारत और पाकिस्तान के मैच को सबसे ज़्यादा लाइव देखा गया। और पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में इस बार लाइव देखने वालों की संख्या में 38% का इजाफा हुआ है, तथा इस बार के सबसे ज़्यादा अभी तक के वर्ल्ड कप को लाइव देखने का रिकॉर्ड इस साल ही बना है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, और इसमें भारत ने जीत भी हासिल की थी, भारत वर्सेस पाकिस्तान को, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 खेला कहाँ गया था? ये खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स ने, और इंग्लैंड और वेल्स से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो एक संस्था है जिसे इंग्लैंड और वेल्स दोनों ही उसके सदस्य हैं यूनाइटेड किंगडम के। आज का नौवां क्वेश्चन है, हॉरर फिल्मों के किस डायरेक्टर का हाल ही में निधन हुआ है? उत्तर है श्याम रामसे, इनका निधन हुआ है। ये हॉरर फिल्मों, ये हमेशा डरावनी फिल्म बनाते थे, 67 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुई है, और ये एक मशहूर हॉरर फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने 1980 से 1990 के बीच में वीराना, पुरानी हवेली जैसे कई ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवी बनाई हैं। रामसे ब्रदर्स के नाम से मशहूर सात भाइयों में से श्याम एक थे। रामसे ब्रदर्स एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर सात भाई होते थे, जिनमें से ये भी एक थे। तो श्याम रामसे का भी निधन हुआ है। आज का दसवां न्यूज है कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के कितने नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अभी सर्वेक्षण में प्राप्त हुआ है? तो वो है 12वें नंबर का, विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट 12वें नंबर का। तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2018 के लिए जारी रिपोर्ट में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या के लिहाज से दुनिया का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है। पहले यह 16वें नंबर पर था, लेकिन इस साल 12वें नंबर पर आ गया है। अमेरिका के हॉटफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
सबसे ज़्यादा व्यस्त और चीन के बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दूसरे नंबर पर है। आज का 11वां न्यूज है, हाल ही में मशहूर पांडा का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चुआंग चुआंग, चुआंग चुआंग उसका नाम था, जो कि चीन से थाईलैंड में लाया गया था, एक बहुत ही बड़ा था, और 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक मादा पांडा लीन मादा पांडा इसे इस पांडे को ये मादा पांडा था जिसे सॉरी ये नर नर पांडा था जिसे मादा पांडा को गर्भधारण करने के लिए इसे विशेष माना जाता था। इसे चीन से थाईलैंड लाया गया था, फिर से थाईलैंड से चीन ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इसी बीच 19 वर्ष की उम्र में इस चुआंग चुआंग की मृत्यु हो गई। अच्छा, पांडा अभी एक विलुप्तिकरण की ओर बढ़ती हुई प्रजाति है, इसलिए इसके संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए इसको थाईलैंड ले जाया गया था। 12वां, हाल ही में किस गेंदबाज ने काउंटी क्रिकेट के एक ही पारी में 9 विकेट लिए? तो उत्तर है केल एबॉट। केल एबॉट ने काउंटी क्रिकेट के एक ही मैच में 9 विकेट एक ही पारी में 9 विकेट ले दिए, और यह जिसमें साउथ अफ्रीका के ये साउथ अफ्रीका के केल एबॉट थे जो हैंसपर की तरफ से एक पारी में कुल 9 विकेट लेकर विरोधी टीम को हरा भी दिए हैं। ये और ये हैमस्टर और समर इसेट के बीच खेला गया मुकाबला था, और भारत के अनिल कुंबले ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किए थे अनिल कुंबले जी ने भारत के, और उसी प्रकार केल एबॉट ने एक ही पारी में 9 विकेट लिए हैं। अच्छा, आज का 13वां न्यूज है, बुधवार को खेले गए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना? उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली ने 52 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाई। ये मैच कहाँ खेला गया था? ये मैच मोहाली में खेला गया था, मोहाली जो कि एक बहुत ही ऊँचा और ठंडा स्टेडियम है, वहाँ खेला गया, उत्तराखंड में स्थित है। और इस मैच में विराट कोहली ने 50 प्लस स्कोर बनाते हुए T20 में सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले एक बल्लेबाज बन गए हैं, और ये एक नया रिकॉर्ड है। तो और कप्तान के तौर पर भी सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले T20 में ये बल्लेबाज बन चुके हैं। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है, और ये 2 मैच हो चुका है, और अगला मैच 22 तारीख को खेला जाएगा, जिसमें यदि भारत की टीम जीतती है तो भारत ये सीरीज को क्लीन स्वीप कर जाएगा, और यदि साउथ अफ्रीका की टीम जीतती है तो 1-1 से यह सीरीज बराबर हो जाएगी। आज का जो कल का क्वेश्चन था, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोगों में से किसी ने भेजा है, तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे कौन मनाता है? इसे यूनाइटेड स्टेट मनाता है। यूनाइटेड स्टेट की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट से ही है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ओजोन डे ओजोन परत जो है क्षोभ मंडल के ऊपर जो ओजोन परत है उसकी रक्षा के लिए जागरूकता के लिए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने ट्रायथलॉन रेस जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने ट्रायथलॉन रेस जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? आप इसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, और आप यदि ऐसे ही भेजेंगे कमेंट करके लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मैं और से और अच्छी से अच्छी न्यूज़ आप सभी के सामने में रखना चाहूँगा। आप इसे यदि आपको पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।